अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं किम्स एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। तो चेक करेंगे कि न्यूक्लियस का एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है, इसका क्या काम होता है, और जो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं लाइक प्रोटॉन होता है देन इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम इनको चेक करेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ, सिंपल सी एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट से इस तरीके से ये वाला मैंने एक न्यूक्लियस, लेट से ये न्यूक्लियस है एटम का। तो इसके गिर्द हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मीन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली ड्रा करूँ तो कुछ इस तरीके का, जी इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इनको हम शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस में एक्चुअल में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और सेकंड न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, इस पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से रिवॉल्व करता रहता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं, जो कि एक कैलकुलेशन की हुई है, यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम नोट करें इस न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का, तो जो कैलकुलेशन आती है वो होती है 10^-10 meters। तो इतना आती है। और अगर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कल में वो उसका रेडियस होता है, तो ये तो रेडियस आ गया। अगर इसको हम रेडियस बोलें तो गलत नहीं होगा। और अगर यहाँ से हम डायमीटर निकालें तो डायमीटर जो होता है वो बेसिकली 2 radii के इक्वल होता है, 2 radii के इक्वल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि डायमीटर निकालें तो इस वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 10^-10 meters जो होगा ये डायमीटर होगा न्यूक्लियस का। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको एक और वैल्यू में भी लिख सकते हैं, 200 picometer भी लिख सकते हैं। और 1 picometer जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10^-10 meters, ये इस वैल्यू के इक्वल भी होता है। ये जस्ट कैलकुलेशन है जिससे आपको आइडिया हो सके कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है कितना स्मॉल है, एटम एक ओवरऑल कितना स्मॉल है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये बेसिकली एक डिस्टेंस है, ये डायमीटर है, और ये वाला उसका रेडियस है जितनी वो फासले पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 energy levels ड्रा किए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको अगर हम इस तरीके से फिल कर दें तो ये जो एरिया होगा, ये फिल एरिया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और सेकंड नंबर पे अगर ये वाला जो एरिया है इसकी बात करें तो ये वाला एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, मीन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो बहुत ही कम होगी, वो 40% जो है ना वो मोर होगी, जो कि हमने वाइट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 40% मोर होगी एज़ कम्पेयर टू आउटर, जो कि हमने ये वाली शेड की हुई है इससे। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी न्यूक्लियस के करीब जो है वो ज़्यादा होती है। और हमें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस के करीब वाले एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी, जो करीब वाले एनर्जी लेवल होते हैं उनकी एनर्जी लेस होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी जो है वो
ज़्यादा होती जाती है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होता है। और अगर हम इनके मैसेस की बात करें तो प्रोटॉन का मैस अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो न्यूट्रॉन के मैस के इक्वल होता है। और हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस होती है वो बहुत ही कम होती है और उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ओवरऑल जो मैस होती है, ओवरऑल जो मैस होती है किसी भी एटम की, ओवरऑल एटॉमिक मैस जो होती है वो दो चीज़ों की वजह से होती है, वो इस प्रोटॉन की वजह से होती है और इस न्यूट्रॉन की वजह से होती है, ओवरऑल जो मैस होता है एटम का। तो चूंकि हमें पता है कि अगर वन प्रोटॉन हो तो हम कहते हैं कि 18-36 टाइम जो है वो एक प्रोटॉन जो होता है वो हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हों, 1836 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो एक प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वाली, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन की मैस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब ओवरऑल हम लिखते हैं मैस एटम का तो वो ड्यू टू दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से लिखते हैं। अब जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और हम इसको सिंपल एक कैपिटल जी वर्ड है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, सिंपली प्रोटॉन नंबर, मतलब किसी भी एलिमेंट के में जितने प्रोटॉन नंबर होंगे उसको उसका एटॉमिक नंबर बोल देंगे। और उसके बाद एक नई टर्म एक इस्तेमाल की जाती है जिसको हम हकीकत में क्या बोलते हैं, मैस नंबर। तो जो मैस नंबर होता है इसमें सम होता है दोनों का, मीन मैस नंबर जो होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सम होता है जी का, मीन प्रोटॉन नंबर का, और प्लस न्यूट्रॉन का, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर का जो सम होता है वो बेसिकली होता है हमारे पास मैस नंबर। तो इसी मैस नंबर को हम एटॉमिक मैस भी बोलते हैं, एटॉमिक मैस भी बोलते हैं, या जो वेट होता है एटम के उसको भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि जो एटॉमिक मैसेस होते हैं वो तो फ्रैक्शन में होते हैं, एटॉमिक मैस जो होते हैं वो तो फ्रैक्शन में होते हैं, लेकिन जो मैस नंबर होता है ये होल नंबर होता है ऑलवेज, चूँकि हम काउंटिंग करते हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो ये फ्रैक्शन में होता है। एटॉमिक मैस जो होते हैं मैसेज, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के मैस की बात करें तो 1.008 एटॉमिक मैस यूनिट होता है। एटॉमिक मैस यूनिट एक यूनिट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये फ्रैक्शन में है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम का 22.90 समथिंग होता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली इसको 23 लिखते हैं। तो ये मीन एटॉमिक मैसेज कम होते हैं, लेकिन जो मैस नंबर होते हैं वो एग्जैक्टली काउंटिंग होती है, मीन प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन की काउंटिंग करते हैं हम, जो कि ऑलवेज एक होल नंबर होगी। तो ये एटॉमिक मैसेज इस वजह से क्यों होते हैं, चूँकि जो ये वाले सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम के अंदर, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, जब इनको हम बाइंड करते हैं एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, लेट से इस तरीके से जब करीब आते हैं, तो इन करीब आने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को करीब लाने के लिए या उनको दूर करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, तो इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू
मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे ही ये वाले करीब आते हैं एक दूसरे के, तो करीब लाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो जो मैसेज में डिक्रीज़ होता है किसी हद तक, वो इसीलिए एनर्जी की फॉर्म में वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज़ हो जाता है, मीन इस्तेमाल हो जाता है इनको करीब लाने के लिए। इसीलिए ये जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ये ऑलवेज फ्रैक्शंस में होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर तो एटॉमिक नंबर सेम हुआ और लेकिन ये जो मैस नंबर हुए ये डिफरेंट हुए, मैस नंबर डिफरेंट हों और एटॉमिक मैस सेम हो, तो ऐसे जो हमारे पास नए एटम्स आते हैं उनको हम आइसोटोप टर्म का नाम देते हैं। आइसोटोप बेसिकली बात स्टार्ट की थी हमने जो न्यूक्लियस था, तो हमने बोल दिया कि न्यूक्लियस ओवरऑल अगर बात की जाए न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और अगेन कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है। और हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाती है उसको हम टर्म देते हैं ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ऑर्बिटल के ऊपर बहस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।